कि छीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, पुण्य के नष्ट हो जाने पर उस व्यक्ति को देवता लोग फिर संसार में फेंक देते हैं। हम पुण्य करके स्वर्ग जाते हैं और स्वर्ग में पुण्य के फल को भोगते हैं, लेकिन कब तक? बोले जब तक पुण्य रहेगा। भोगते भोगते एक दिन पुण्य खत्म हो जाता है। स्वर्ग क्या है? बोले आज के हिसाब से अगर कहो तो समझने के लिए मैं कह रहा हूं, जैसे 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, वहां सब प्रकार की सुविधा आपको मिलेगी, खूब सुख लीजिए, लेकिन कब? बोले पेमेंट करते रहिए तब। और पेमेंट बंद तो वहां का जो साधारण कर्मचारी है वो भी आपको कहेगा, साहब अब जाइए, अब आपके लिए यहां जगह नहीं। उसी प्रकार पुण्य का पेमेंट करके जीव स्वर्ग के सुख को भोगता है। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन, यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। बड़े बड़े यज्ञों को करके जीवात्मा स्वर्ग में पुण्य के फल को भोगता है और क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति, पुण्य के नष्ट हो जाने पर वो मृत्युलोक में फिर फेंक दिया जाता है। तब वेदों ने कहा तो कर्म से जो हमें प्राप्त होता है वो एक दिन नष्ट हो जाता है, तो अविनाशी क्या है? तब वेदांत ने कहा अविनाशी तो परमात्मा है, और उस परमात्मा की प्राप्ति तत्वज्ञान से होती है। उस तत्व को हम जाने, और उसे जानने के लिए वेदांत, भक्ति, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, ये सब मार्ग बताए गए। भक्ति के द्वारा, हम प्रेम के द्वारा, भगवान की उपासना के द्वारा उस तत्व को हम जान लें, उस तत्व को प्राप्त कर लें। और भगवान को अगर प्राप्त कर लिया तो भगवान नित्य हैं, अविनाशी हैं और परम आनंद स्वरूप हैं, सच्चिद आनंद है। यही वेदांत का उद्देश्य है। तो नारद जी आए और नारद जी ने प्राचीन बरही राजा को समझाया, देखो इन बड़े बड़े यज्ञों को जो तुमने किया इसका फल केवल स्वर्ग है, स्वर्ग से आगे इन कर्मों का कोई फल नहीं है, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग अधिकतम, और वो भी स्वर्ग में सुख भोगने के बाद फिर तुम्हें दुख होगा। क्या दुख होगा? बोले फिर संसार में आना पड़ेगा। स्वर्ग हूं स्वल्प अंत दुखदाई, अंत में स्वर्ग से निकलने के बाद भी दुख ही होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यही तन कर फल स्वामी जी महाराज कहते हैं इस तन का फल विषयों का भोग नहीं है, स्वर्ग का सुख भी अल्प है और अंत में दुख होगा। क्या दुख? बोले स्वर्ग से जब निकाले जाओगे तब दुख होगा। जैसे कोई व्यक्ति साधारण जीवन जी रहा हो और उसको पूरा सुख सुविधा में रखा जाए और सारी सुख सुविधा भोगने की आदत उसकी पड़ जाए और फिर एक दिन उससे सारा सुख छीन लिया जाए, फिर उसको साधारण बना दे, फिर कितना दुख होगा? यही दुख है। स्वर्ग भोगने के बाद जब जीव को स्वर्ग से निकाला जाता है तब उसे दुख होता है। स्वर्ग हूं स्वल्प अंत दुखदायी। नारद जी ने कहा राजन इन तुम्हारे यज्ञ कर्मों का फल केवल स्वर्ग है, और इसके साथ साथ इस यज्ञ कर्म में जिन पशुओं को तुमने मारा है वो सारे पशु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि राजा ने हमको मारा है, हम भी बदला लेंगे।
राजा ने कहा महाराज वो यज्ञ में जो पशु मारे जाते हैं वो तो स्वर्ग को प्राप्त कर जाते हैं, ये वेद में लिखा है, वेदों की वाणी है कि वे पशु उत्तम लोक को प्राप्त करते हैं, तो वो पशु हमको क्यों मारेंगे। बात तो सत्य है, यज्ञ में मारे गए वे पशु उत्तम लोक को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन नारद जी प्राचीन बरही राजा को भक्ति मार्ग में वैराग्य मार्ग में लगाना चाहते थे, इसलिए नारद जी ने अपने योग बल से, नारद जी ने अपनी माया के द्वारा आकाश में उन पशुओं का दर्शन कराया और नारद जी ने कहा राजन देखो ये सब पशु खड़े हैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भोगो प्रजापते राजन पशून पश्य त्वयाध्वरे संज्ञापितान जीव संधानान निर्घणेन सहस्रशः। एक का नाम है प्रवृत्ति मार्ग, दो रास्ते हैं। निवृत्ति मार्ग तो यह है कि सब कुछ छोड़कर भगवान के भजन में लग जाओ, कोई जिम्मेदारी आपकी नहीं है, जब तक आप मान रहे हो तब तक जिम्मेदारी है, मुझे ये करना है, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा, कर्तव्य ये है, इनके प्रति मेरा ये दायित्व है। लेकिन जब भगवान की भक्ति का विषय आएगा तो निवृत्ति मार्गी के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, सब कुछ छोड़कर भगवान का भजन, ये हुआ निवृत्ति मार्ग, इसको निवृत्ति मार्ग कहते हैं। सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, सब कुछ छोड़कर भगवान के भजन में लग जाओ, कोई जिम्मेदारी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी भगवान संभाल रहे हैं, तुम कोई जिम्मेदारी नहीं संभाल रहे, ये सोचो, ये निवृत्ति मार्ग है। और प्रवृत्ति मार्ग क्या है, बोले प्रवृत्ति मार्ग ये है कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन में रहकर अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए भगवान का भजन करते रहो, अपने मन को संसार में न लगाओ, मन भगवान में लगाओ, तन संसार में लगा रहे, तन ते कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहां कृपा निधाना, ये प्रवृत्ति मार्ग। लेकिन अंत में दोनों मार्ग जाकर के भगवान के चरणों में ही पहुंचता है। जैसे आपने देखा होगा शहर से बाहर निकलने के लिए दो रास्ता होता है, एक तो बाईपास होता है और एक शहर के अंदर से होके जाता है, आगे जाकर के दोनों रास्ते मिल जाते हैं, एक बाईपास एक शहर के अंदर से जाने वाला रास्ता, दोनों जाकर के आगे मिल जाते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर होता है। बाईपास से जाओगे तो जल्दी निकल जाओगे और शहर के अंदर से जाओगे तो थोड़ी देर लगेगी, लेकिन वो भी रास्ता वहीं पहुंचेगा, अलग नहीं जाएगा। क्यों, बोले शहर के रास्ते में कहीं भीड़ मिलेगी तो रुकना भी पड़ेगा, उधर से गाड़ी आएगी, कभी इधर से गाड़ी आएगी, थोड़ा सावधान भी रहना पड़ेगा, कुछ अच्छी अच्छी चीजें देखने को भी मिलेंगी शहर में, लेकिन बाईपास में तो सन्नाटा रहेगा, कुछ देखने को नहीं मिलेगा, निकलते चले जाओ। ये त्याग का मार्ग बाईपास मार्ग है और गृहस्थ जीवन में रहकर भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना ये प्रवृत्ति मार्ग है, ये शहर से होकर के गुजरने वाला मार्ग, कठिनाई थोड़ी होती है लेकिन अंत में दोनों मार्ग एक ही हो जाते हैं। जाते ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र जाओ गृहस्थ जीवन में रहकर के तुम भगवान की उपासना करो,